तो हमारी ट्रेन जो है वो 4 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे शाहजहाँपुर, तो वो सेफ है वो स्टेशन? अरे यार इतना बढ़िया बॉडी बना रहे, तो पूछ रहा हूँ सेफ है? बस मिलती है वहाँ से, मतलब टाइम पे मिल जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है बस वेट करना पड़ेगा, जाती नहीं जाएगी? ये रहने बातें बना रहे जाते काट लेगा। हाँ भाई तो चलना है साथ में, घर की टॉस उछाल लें, टॉस उछाल लें, बेस्ट ऑफ थ्री टॉस कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ थ्री टॉस करेंगे हम। आज डेट क्या है भाई, डेट बता। 19 नवंबर, टाइम हो रहा है 2:03। अरे हम टॉस उछाल लें, हेड्स आया था, नहीं चाहे तो नहीं जाएंगे, तेल से तो जाएंगे। हेड्स आ गया, हेड्स आ गया, और नहीं जा रहे, पहला पहला ही, अरे बेस्ट ऑफ थ्री है। अरे यार बेस्ट ऑफ थ्री, टेल्स अब एक फाइनल है। अरे ओ माय गॉड, जाना पड़ेगा। ठीक है फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे और एक सुनसान से स्टेशन पे भी उतरना होगा, तो आगे हम देखेंगे ब्लॉग में। 27 तारीख यानी वेडनेसडे की शाम को, तब तक के लिए मिलते हैं थोड़े दिनों बाद। शादी में जाने के लिए समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या रखूं, फाइनली रख लिया, तो अब हम बैग पैक करते हैं और मिलेंगे सीधे शादी में। और ये देख ही सकते हैं कि बैग की चेन जो है नहीं लग रही है, इसमें कपड़े ठूंस ठूंस के भर लिए, पहनना भले ही एक ही है लेकिन वहाँ ठंड का पता नहीं। फाइनली देख लो 25 किलो, तो बहुत सारा वजन है, रूम की हालत देख ही सकते हैं आप। अब मुझे एक और कन्फ्यूज़न है कि जूते लूँ कि चप्पल लूँ, समझ नहीं आ रहा। फाइनली डिसाइड करने पर लग रहा है कि चप्पल ही ले जाते हैं, और यूज़ होगा होटल में भी और बाहर घूमने में भी, ठंड तो झेल लेंगे। फाइनली ऑफिस के टाइम पे ही अब निकला जा रहा है और चलते हैं हम राजगौरव की शादी की तरफ। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. तब तक लिफ्ट का वेट करते हैं हम लोग, मिलते हैं आगे। अब हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और हम लोग जो है ऑफिस से निकल चुके हैं, शाम के 5 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने अजीज दोस्त संगम दुबे के घर पे, वहाँ पे इनकी पैकिंग कराएंगे और उसके बाद जो है शाम के रात के 10 बजे जो है ट्रेन है अपनी, वो पकड़ेंगे। और ट्रेन है हमारी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से, हम वहाँ से उसको 10 बजे पकड़े हैं। संगम के रूम में गाजियाबाद में हैं हम करेंटली, और यहीं से जो है संगम जो ऑपरेट कर रहे हैं पूरे 6-8 साल जो भी है ना, कॉलेज टाइम भी यहीं से अप डाउन किया है और प्लस अपना ऑफिस भी यहीं से जाते हैं। कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कुछ भी हो, सारे ऑफिस उन्होंने यहीं से करे हैं और कॉलेज भी। तो संगम जी बताएं क्या है इस रूम के बारे में खास जो आप कभी छोड़ नहीं पाते? आ जाओ भाई अंदर, तो आ जाओ पहले एक बार दिखा देंगे आपको रूम। ये आपका बेड है, ये मेरा बेड है। अगर आप ये देखो कि हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम का जो भी सामान है वो मैं यहाँ पे करता हूँ वो पड़ा हुआ है। ये आप देखोगे मेरी बेंच पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरी पुरानी किताबें पड़ी हुई है, और ये यहाँ पे मैं अपने चिनअप्स और ये सब करता हूँ ऊपर जो ये सरिया का वो लगा हुआ है। और अगर आप बाहर आओगे तो सुबह के टाइम फ्रेश एयर, बाहर लाइट जलती है तो जला दें थोड़ा बाहर, अगर आप देखेंगे तो फ्रेश एयर। और उसके लिए यहाँ पे यू नो सुबह के टाइम उठ के अच्छी हवा, ताज़ी हवा यहाँ से लेता हूँ मैं। और ये वॉशरूम है, ऊपर छत है, छत पे थोड़ा सा वॉकिंग के लिए, और ये जब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं ऑपरेट करता हूँ, जहाँ से मैं सारे ऑफिस गया हूँ। यहाँ से आप सरगना चलाते हैं क्या? यहाँ से मैं इंडियन मुजाहिदीन चलाता हूँ, यहाँ से ही तो मैंने जो मुंबई बॉडी बनाई है जो आप व्हाट्सएप पे डालते हैं, यही से तो लोगों को दिखाना चाहूँगा कि लोग जो है स्ट्रगल करते रहते हैं बॉडी बनाने के लिए, और इनके अगर रेसेंट देखे जाएँ तो 10-10 किलो के वेट्स हैं और ज़्यादा वेट्स नहीं है, और एरिया और स्पेस वाइज भी देखें तो ज़्यादा बड़ा स्पेस है नहीं, इसके अंदर ही इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉडी जो है ग्रो करी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जो भी आपके पास लिमिटेड स्पेस या लिमिटेड सारी चीज़ें हैं उससे जो है आगे बढ़ें और खुद के लिए जो है मेहनत करें, बॉडी बनाएं और इनसे कुछ इंस्पिरेशन लें।
सही कहा राजन जी ने। राजन जी आप हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, मुझे इसीलिए आप बहुत पसंद हैं। रात के जो है 9 बज चुके हैं, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं रेलवे स्टेशन। फाइनली हम स्टेशन पर पहुँच गए हैं, अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे हैं अपनी ट्रेन के पास, और यहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइनली अभी ट्रेन को आने में बहुत सारा टाइम है, तब तक जो है मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक चाय पी लूँ। और ये ब्लॉग तो मतलब बेकार की चीज़ है, ब्लॉग तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, मेन जो है हम इसमें अपना स्ट्रगल कैप्चर कर रहे हैं, ताकि कल को जब राजगुरु की शादी हो जाए और उसको हम अपनी शादियों पे बुलाएं तो वो मना ना कर सके। तो देखिए कि कितनी स्ट्रगल के बाद उसकी शादी तक हम पहुंच पा रहे हैं, और असली स्ट्रगल तो अभी शुरू नहीं हुई, असली स्ट्रगल होगी हमारी 3 बजे रात को, जब हम 3 बजे रात को जो है उतरेंगे, और उसके बाद ना हमारे पास रहने के लिए घर होगा, ना ट्रेन होगा, ना कुछ नहीं, तो होगी असली स्ट्रगल। तब तक चाय पीते हैं। बहुत ही बेकार चाय है, सिर्फ पानी है और चाय पत्ती है, ऐसी चाय का क्या ही करें। आजकल आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, और शादी का माहौल चल रहा है इसलिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, इतनी भीड़ है कि लोग पैर से पैर रख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप उधर फोकस कीजिए, वहाँ पे दिखाइए कितनी भीड़ है लोगों की। शादी के मौसम में ऐसे भी इंडिया है, जनसंख्या तो बढ़ती रहती है दिन प्रतिदिन। साढ़े 9 बजे की ट्रेन थी, अभी 10:30 बजने के हो गए और अभी तक ट्रेन का पता नहीं है। लगता है शादी में बेकार ही जा रहे हैं हम, तो क्या करें, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, सुनाएगा बाद में। और ये ट्रेन के स्टेशन पे आप देख सकते हैं, हम ट्रेन के पटरी जो है और ये रेलवे प्लेटफॉर्म कितना खाली हो चुका है, सारे जितनी भीड़ हमने पहले दिखाई थी वो सारी छट चुकी है, सबकी ट्रेनें आ गई, बस इस बेचारे गरीब की ट्रेन नहीं आ रही है, रो रहा है बेचारा अंदर से। पहुँच चुके हैं, हमने बोर्ड कर लिया ट्रेन और हमारी सीट है 3738। जरा फोकस करके दिखाइए। अभी दिन के 4 बज रहे हैं और जैसे कि मेरी आंखों में आप देख पा रहे हैं, मुझे बहुत लाल हो रही है। अभी मिस्टर राजन सिंह ने मुझे एकदम से उठा दिया और हम शाहजहांपुर पहुँचने वाले हैं, और अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे जब हम शाहजहांपुर उतरेंगे। Yeah.
शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं और ये सुबह के 4 बज रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हमें बस पकड़नी चाहिए या होटल देखना चाहिए। हम दोनों में कंफ्यूज हैं, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। अभी आपको कॉल करेंगे सर, तो बताएंगे आपको, तो आप लोग तो बता नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग स्टेशन पर चादर लाए वो लपेट के कहीं बेंच वेंच देखेगा, ये भी नहीं कर सकते, तो चलते हैं देखते हैं फिर कि एक होटल लेंगे आराम से 8 बजे तक सोएंगे, या अपने पास दूसरा ऑप्शन है कि बस पता करते हैं पलिया कलांग सर आप पे, सर आप बड़े काले काले आ रहे हैं सर, आप एक्चुअली यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आपने ऊपर से ये जो जादू का आपने गेटअप लिया हुआ है। ये जादू का गेटअप मैंने नहीं लिया है, कृपया सर्दी दिखाई जाए कितनी सर्दी हो रही है, कोहरा दिखाया सर जाए। ये कोहरा है जिसे हम कहते हैं प्रदूषण, इससे कोई भी ठंड का लेना देना नहीं है। चलो फिर चाय पीते हैं फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम जा रहे हैं बस पकड़ने बलिया कलान की, और हमारे साथ श्री श्री 1008 राजन जी हैं, और अभी जहाँ तक आप देख पा रहे हैं हम बैटरी वाले रिक्शा में बैठे हैं और जो भैया हैं बैटरी वाले रिक्शा के वो हमारा सामान जो ऊपर बांध रहे हैं और हम चल दिए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड, हमारे पीछे बहुत सारी बसें खड़ी हैं, अब इनमें से हमें ढूंढना है कि पलिया कलान जाने वाली बस कौन सी है। आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पलिया कलान की बस कौन सी है। हम एक एक करके सारे ड्राइवर से पूछेंगे पलिया कलान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई एक इंक्वायरी काउंटर नाम की भी चीज़ होती है, इंक्वायरी काउंटर जो है वो बंद है, आप देख सकते हैं अंकल जो है अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबसे बात कर रहे हैं बट हमसे बात नहीं करेंगे। पलिया कलान चले, पलिया कलान चली ला भाई, मेरा गुटका कहाँ है? वहीं पे गाड़ी खड़ी हो गई, बाप डीजल ले रही है, वहाँ से भी तब भी मिल जाएगी जो गाड़ी जाएगी वही मिलेगी, पटना के लिए तो यही होके जाएगी ना, सब उधर होके जाए। फाइनली हमें पलिया कलान की बस जो है मिल चुकी है और हम इस बस पे हम बैठ चुके हैं और ये बस चलने को तैयार है, बस ऐसी पुकार भर रही है चलेगी नहीं। एक आध घंटे का इसका स्टॉपेज है, तब तक इसी बस में हम लोग सोते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं बस के अंदर और ज़रा कैमरा बाहर फोकस कीजिए, काफ़ी ठंड है और मैं अपने बुलेंस भी ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ, देखो इसको किशन दी की ज़्यादा ठंडी होगी बट लेट सी क्या होता है। बट ये बस वाला जो है बहुत जल्दी चला रहा है, बस सोने भी नहीं चला रहा है। जैसा कि देख रहे हैं बस में दोनों आर पार जंगल ही जंगल है दोनों साइड, ना कोई साइन बोर्ड है ना कोई रेस्टोरेंट ना ढाबा ना क्या है, सिर्फ दोनों साइड जंगल है, पता ही नहीं चल रहा कि हम कहां पर और कितनी दूर फंसे हैं, और सिग्नल भी नहीं आ रहे मोबाइल के तो और आइडिया नहीं लग पा रहा है। चलिए आगे देखेंगे और क्या क्या दिन हमें देखना पड़ता है। चलिए फिर चलते हैं देखते हैं होटल में रूम कैसा है,
और रूम टूर भी देंगे हम आपको। और काफ़ी देर बाद हमें बस से उतरने को मिला, 5:30 चढ़े थे और टाइम हो गया है 8:10, 3 घंटे लग गए। इतना तो हमें गाज़ियाबाद से शाहजहाँपुर पहुँचने में नहीं लगा। रूम पहुँच चुके हैं, चेकिंग कर लिया है, तो हम रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा आपको दिखाते हैं कि रूम कैसा है। ये तो आती ख़त्म हो गया। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे बेड है, दो लोगों की ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे। मैं और राजन यहाँ पे रहने वाले हैं। आप अगर यहाँ यहाँ मैं आपको बेड दे दूँगा। हमारा जी मुझे कौन सा बाथरूम है जिसमें दोनों चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं टी वी का अरेंजमेंट है अपने इंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ भी लगा हुआ है, उधर भी है, ये भी ये है हमारे अमेरिकन जिन्होंने चेकिंग कराया है। ट्रेन तो सर आया, गर्म पानी कहाँ है? ये गर्म पानी भी लेके आए हैं, तो बहुत ही प्यार होते हैं यहाँ पे। धन्यवाद भाई। अरे भाई बढ़िया, कब आए? अरे सुबह 7:30 आ गए भाई। अरे इतनी जल्दी? हम भाई ट्रेन वाले हैं, तुम बस वाले हो भाई। तुम बहुत स्ट्रगल करने के आने वाले लोग। अच्छा आप जानते हैं कैमरा मैन कौन? नहीं हम नहीं जानते कौन है ये, अपने कैमरा नहीं अपना। मैं बताना चाहूंगा, राजगौरव के कॉलेज फ्रेंड है और आप मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा उनकी असली फ्रेंडशिप कहाँ हुई थी। मेरी तो ऑफिस फ्रेंड तो है, लेकिन एक और फ्रेंडशिप जो है इनकी खास है, जो कैमरे पे ओपन हो गई। कैमरे पे ओपन अभी हुई नहीं, बड़े में वक्त है, खुलासा ना हो तो फायदेमंद रहेंगे। राजगौरव ज्यादा आज उनका दिन है।